बापू हानिकारक, कभी वो शब्द आपके जहन में आए थे कभी? हमें पता चल गया था कि ये अश्व, राजपूतों के लिए अश्व उनकी शान होती है, और अश्व हमें अपनी पहचान के साथ साथ एक लाइफ को भी कोऑर्डिनेट करना सिखाता है। आपकी ऐसी कोई इंसिडेंट हो जब आप घुड़सवारी कर रहे हो या गिर गए हो, कभी घोड़े ने ऐसा मार दिया और पापा को बहुत ज़्यादा चिंता हो गई हो या मम्मी जी को? हर फील्ड में लड़कियों के साथ ये चीज़ होती है, सुनना पड़ता है कि ओके, अगर आप जैसे माँ बाप को बोला जाता है कि आप अपनी बेटी को क्यों भेज रहे हो या कोर्ट में क्यों भेज रहे हो, क्या ज़रूरत पड़ी? वो आप घर पर बैठे, हम कमा रहे हैं, हम इतने सक्षम हैं कि आगे जाके शादी करेंगे तो सक्षम घर में करेंगे, तो इनको कमाने की क्या ज़रूरत है? सर मेरा ये, मैं आर्मी में जाना एज आर्मी ऑफिसर। चंद राठौड़ को पहचान घुड़सवारी के रूप में वहीं से मिली। गाँव के स्कूल में पढ़ाई शुरू करी, अपने सरकारी स्कूल में, उसके बाद धीरे धीरे बाहर निकले और बाड़मेर में पढ़ाई शुरू करी, उसके बाद आर्मी में सिलेक्शन हो गया। कि जब आपके पापा या फिर आपके परिवार वाले आपको सपोर्ट करते हैं उन कंडीशंस में जहाँ पे बाकियों को सपोर्ट नहीं मिल पाया, जैसे मेरे नाना जी हैं स्वाई सिंह भाटी। कंपटीशन किससे हैं कंचन राठौड़, किनको करना कि मुझे उनको पार करना, पापा जी हैं या फिर कोई और? अभी पापा जी ने ऐसा बोला हो कि कंचन मैंने तो 300 मेडल हासिल किए हैं, मुझे मिले आपको ये प्लस करने। वो बेटी हो या बेटा, इस कंडीशन में जहाँ बाड़मेर है, अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हर लड़की को उतना ही इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। सर पापा को कभी चिंता नहीं हुई। एक्चुअली जब भी हम घोड़े चलाते हैं तो एक चीज़ ये है कि कोऑर्डिनेशन होता है। अब घोड़ा और मैं, हम दोनों का ये कोऑर्डिनेशन होगा कि उसकी हार्ट के बीच और मेरी हार्ट के बीच एक ही कोऑर्डिनेशन में जाएगी। पापा जी के सामने गिरी हूँ और पापा जी बोलते कोई बात नहीं, उठ जा चलता है चलता है, वापस बैठ जाओ घोड़े पर। हाँ, अगर पापा जी जब पापा वीडियो देख रहे हैं, जब पापा जी सिखाना शुरू करते हैं तो पापा जी नहीं, पापा जी कोच होते हैं। हाँ। और वहाँ पे वो ये नहीं देखते कि मेरी बेटी को लगी है। हाँ। मम्मा जी को पता है कि अगर बाप बेटी कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे। हाँ। और पापा जी को ये पता है कि अगर मैं अभी इस पॉइंट पे बोलूँगा कि लग गई, ये हो गया, वो हो गया, तो कहीं ना कहीं मैं अपना समझूंगी कि हाँ मेरे दर्द हो रहा है मुझे। पापा जी ने नहीं, गिरी कोई बात नहीं, उठ जा वापस बैठ। दोस्तों वैसे तो पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर जिला अपने आप में हर क्षेत्र में हमेशा से चर्चाओं में रहता है, लेकिन इन चर्चाओं में कुछ ऐसी चर्चाएं भी होती हैं जो इस क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संदेश देती हैं। इस क्षेत्र की बेटियां, एक ज़माना हुआ करता था तब ये कहा जाता था कि यहाँ के लोग अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं, यहाँ की बेटियां चूल्हे चौकों तक ही सीमित रहती हैं। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है, यहाँ की बेटियां हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, वो चाहे शिक्षा हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे खेल हो या फिर कोई और क्षेत्र। अभी हमारे साथ इस बाड़मेर की एक ऐसी बेटी हैं जिनका परिचय मैं उनके मुंह से ही सुनूंगा, लेकिन उनके बारे में कुछ खास बता दूं कि ये बेटी जिन्होंने नेशनल में दो बार घुड़सवारी में भाग लिया और दोनों बार ही जो हैं वो पदक जीते हैं। सबसे पहले तो अपना पूरा परिचय दीजिए, कहाँ से हैं आप, मूल कहाँ से हैं, और उसके बाद से कैसे आपका सफ़र शुरू हुआ? नमस्कार, मेरा नाम कंचन राठौर है, मैं कनोड़ा गाँव मेरा, और मैंने मेरी पढ़ाई अलग अलग जगह से करी है। सबसे पहले मैंने मेरी पढ़ाई उत्तराखंड से शुरू करी, जो मैंने फर्स्ट से लेकर 12th तक आर्मी स्कूल से पढ़ाई करी है। मेरे पापा जी आर्मी से रिटायर्ड है, ऑनरी कैप्टन गुलाब सिंह राठौर। उन्होंने मुझे हर जगह प्रेरित किया, हर जगह संघर्ष सिखाया कि कहाँ पर क्या चीज़ किस तरीके से करनी चाहिए और बोलनी चाहिए। अब मैंने फर्स्ट से लेकर अलग अलग 12th तक उत्तराखंड, मेरठ, दिल्ली एनसीआर, जैसलमेर, अलग अलग जगह पे अपनी पढ़ाई पूरी करी। और लॉकडाउन के टाइम मैं कनोड़ा बाड़मेर में भी रही एक साल के लिए। उस टाइम पे मैंने, उस दौरान मैंने प्रॉपरली अपनी ट्रेनिंग शुरू करी थी एंड्योरेंस के लिए, 40 किलोमीटर्स नेशनल। उसके बाद मैंने नेशनल एंड्योरेंस के लिए ट्राई किया 40 किलोमीटर, और उसमें मैंने जूनियर नेशनल्स में मेरा पहला नेशनल मेडल जीता, जो था टीम गोल्ड। उसके बाद अभी लास्ट ईयर 2023 में मेरा वापस नेशनल कॉम्पिटिशन हुआ, उस टाइम मैंने सीनियर नेशनल्स में पार्टिसिपेट किया और मेरा टीम सिल्वर आया। अच्छा, ये तो आपका परिचय हो गया। मैं आपके पापा जी के बारे में भी जानना चाहूँगा, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई है, कंचन राठौड़ को पहचान घुड़सवारी के रूप में वहीं से मिली। हाँ जी, मेरे पापा जी कैप्टन गुलाब सिंह राठौर, शुरुआत में यहीं पर पढ़ाई वगैरह शुरू करी, गाँव के स्कूल में पढ़ाई शुरू करी, अपने सरकारी स्कूल में, उसके बाद धीरे धीरे बाहर निकले और बाड़मेर में पढ़ाई शुरू करी, उसके बाद आर्मी में सिलेक्शन हो गया ड्यूरिंग स्टडीज़ 12th क्लास में ही। फिर पापा जी बाहर गए, वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह हुई आर्मी में। पापा ने हमें रिमाउंट वेटनरी कोर मिला पापा जी को, और उस कोर से पापा जी ने अपनी घुड़सवारी की पूरी कहानी शुरू करी, और वहाँ पर उन्होंने अलग अलग अपना नाम प्रॉपर पूरे भारत में सम्मानित करवाया।
पापा जी के आज के टाइम पे 300 से ज़्यादा मेडल्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल, 15 साल से ज़्यादा इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया और अभी नेशनल जज हैं। कितना प्राउड होता है कि अपने पापा जी के बारे में ये सब चीज़ें एक बेटी बताएं कि मेरे पापा जी को ये मिला है, वो मिला है, तमाम चीज़ें मिली। और हम सुनते भी हैं कि गुलाब सिंह जी ने इस क्षेत्र, जो ये बाड़मेर जैसलमेर का और ये मारवाड़ क्षेत्र है, यहाँ के कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने घुड़सवारी उनसे सीखी और आज वो कई अच्छे स्थान पर भी हैं। हाँ जी, एज अ डॉटर एक ये बहुत प्राउडफुल मोमेंट है कि जब आपके पापा या फिर आपके परिवार वाले आपको सपोर्ट करते हैं उन कंडीशंस में जहाँ पे बाकियों को सपोर्ट नहीं मिल पाया। जैसे मेरे नाना जी हैं स्वाई सिंह भाटी, मेरे पापा जी हैं, मेरे भैया हैं जितेंद्र सिंह भाटी। मेरे भैया अभी लास्ट टाइम एशियन गेम्स में रजत मेडल लाए और उसके कारण अभी वो DYSP है जयपुर में, एंड उन्होंने भी पापा जी के अंडर ट्रेनिंग ली, बचपन से वो हमारे साथ ही रहे हैं, मेरे बुआसा के बेटे हैं। और इन सब की जो सपोर्ट और इन सब की कोऑर्डिनेशन के कारण मुझे वो फील्ड मिला या फिर मुझे वो दिशा मिली जहाँ पे, जिस कारण मैं आज यहाँ बैठी हूँ। हाँ जी सर। कंचन, मैं एक बात आपसे ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको कब लगा कि मुझे घुड़सवारी करनी है, क्योंकि आपका पूरा जो माहौल था वो, जैसा आपने बताया कि मेरी जब समझ आई तो मैं घोड़ों के बीच ही अपने आप को पाया मैंने। हाँ जी सर, एक्चुअली जब मैं समझने लगी, मतलब ये था कि जब बच्चा चलना सीखता है तो हमने घोड़े ही देखे थे और वो घोड़े हमारे जीवन का इतना इंटीग्रल पार्ट बन चुके थे कि हमें पता चल गया था कि ये अश्व, राजपूतों के लिए अश्व उनकी शान होती है और अश्व हमें अपनी पहचान के साथ साथ एक लाइफ को भी कोऑर्डिनेट करना सिखाता है। अब जब हम लोगों ने प्रॉपरली पापा जी को देखा, सीखा कि हाँ राइडिंग करने जाते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक गर्व की वो अनुभूति हुई कि पापा जी ने अगर किया है तो हम भी करेंगे। अब जैसे मेरा भाई है, मैं हूँ, हम प्रॉपरली ट्राई करते हैं कि पापा जी के नक्शे कदम पे चले, उनसे जितना भी सीख सकते हैं, भले वो मिनिमल से मिनिमल हो, वो हम सीखें और थोड़ा सा भी अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करें, उससे हम प्रॉपरली एक प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं। तो आपके भाई और आप दोनों ही घुड़सवारी करते हैं? हाँ जी सर, बचपन से ही। युवराज उल्टा और ज़्यादा है, अभी इसी टाइम अभी नेशनल गेम्स में उसने इंडोरेंस 60 किलोमीटर्स में उसे प्रॉपर थर्ड इंडिविजुअल मेडल। अच्छा, आपके पिताजी के बारे में मैं वर्तमान में अगर जानना चाहूँ तो वो क्या, कहाँ पर, कैसे, कोई ट्रेनिंग सेंटर भी है इस प्रकार सा कुछ? सर एक्चुअली अभी रिसेंटली 3 साल हो गए हैं, हमारी अकेडमी है मालानी इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट्स अकेडमी, जयपुर में है कालवा रोड पे, वहाँ पे हम प्रॉपरली ट्रेनिंग देते हैं। पापा जी एज अ कोच वहाँ पे ट्रेन करते हैं, घोड़े ट्रेन होते हैं और बच्चे ट्रेन होते हैं, प्रॉपरली वहाँ पे बच्चे सीखने के लिए आते हैं अलग अलग नेशनल और रीजनल गेम्स के लिए। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, उसके बाद आपकी पर्सनल बातें भी की जाएगी। कंपटीशन किससे हैं कंचन राठौड़, किनको करना कि मुझे उनको पार करना, पापा जी हैं या फिर कोई और? सर कंपटीशन पापा जी से कभी हो ही नहीं सकता, उन्होंने तो मुझे सिखाया है कि हाँ यहाँ पे खड़े होके इतना अपना वजूद बना लो। कभी पापा जी ने ऐसा बोला हो कि कंचन मैंने तो 300 मेडल हासिल किए हैं, मुझे मिले आपको ये प्लस करने? हाँ, पापा जी हमेशा बोलते हैं कि जितना मैंने किया है मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे और भी ज़्यादा करें, नाम कमाएं, भले वो बेटी हो या बेटा। इस कंडीशन में जहाँ बाड़मेर है, अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हर लड़की को उतना ही इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, बट वहाँ पे पापा जी ने मुझे बोला कि हाँ यू कैन डू इट एंड यू शुड डू इट डेफिनेटली, और उसी कारण मैं अभी कर रही हूँ। अब पापा जी के कारण मैं लॉ में आई एज अ फील्ड। पापा जी का कहना ये है कि और कुछ होना हो, अगर आप अपनी आवाज़ किसी ऐसे के लिए उठा सकते हो जिसकी ज़रूरत हो या जो ज़रूरतमंद हो, तो वो आपकी लाइफ का एक सबसे बड़ा होता ना कि रोल होगा। अपना ड्यूटी क्या है, क्षत्रिय की ड्यूटी है कि लोगों को दो या लोगों के लिए कुछ करो, अगर हम वो नहीं कर पाए तो फिर क्या जीवन। एम क्या है आपका? सर मेरा एम है आर्मी में जाना एज आर्मी ऑफिसर, पापा जी के नक्शे कदम में। अच्छा, ऐसी कोई एक कोई आपकी ऐसी कोई इंसिडेंट हो जब आप घुड़सवारी कर रहे हो या गिर गए हो, कभी घोड़े ने ऐसा मार दिया और पापा को बहुत ज़्यादा चिंता हो गई हो या मम्मी जी को? सर पापा को कभी चिंता नहीं हुई। एक्चुअली जब भी हम घोड़े चलाते हैं तो एक चीज़ ये है कि कोऑर्डिनेशन होता है। अब घोड़ा और मैं, हम दोनों का ये कोऑर्डिनेशन होगा कि उसकी हार्ट के बीच और मेरी हार्ट के बीच एक ही कोऑर्डिनेशन में जाएगी, और उसके कारण मैं और वो दोनों एक दूसरे के डर को भी समझ जाएंगे और दोनों एक दूसरे की फुर्ती को भी समझ जाएंगे। ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं गिरी हूँ और बहुत बुरी बुरी तरीके से गिरी हूँ, पापा जी के सामने गिरी हूँ और पापा जी बोलते कोई बात नहीं, उठ जा चलता है चलता है, वापस बैठ जाओ घोड़े पर। उस समय सपोर्ट नहीं किया माता जी ने कि यार बेटी को लग गया इतना बच्ची को और आप ऐसे करो उठ जाओ उठ जाओ? नहीं नहीं, इंटरफेयर नहीं करते थे? नहीं, मम्मा जी को पता है कि अगर बाप बेटी कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे, और पापा जी को ये पता है कि अगर मैं अभी इस पॉइंट पे बोलूंगा कि लग गई, ये हो गया, वो हो गया, तो कहीं ना कहीं मैं अपना समझूंगी कि हाँ मेरे दर्द हो रहा है मुझे, पापा जी ने नहीं गिरी कोई बात नहीं उठ जा वापस बैठ। एक मूवी है आमिर खान की जिसमें एक सॉन्ग है बापू हानिकारक, कभी वो शब्द आपके जहन में आए थे कभी? हानिकारक तो सर एज ए मतलब जनरल बात में।
हाँ अगर पापा जी जब पापा वीडियो देख रहे हैं, जब पापा जी सिखाना शुरू करते हैं तो पापा जी नहीं, पापा जी कोच होते हैं, और वहाँ पे वो ये नहीं देखते कि मेरी बेटी को लगी है, वहाँ पे वो ये देखेंगे कि मेरी स्टूडेंट जो अभी सीख नहीं पा रही है, अभी खड़ी हो रही है, तो मुझे उसको कैसे सिखाना है। तो वो हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है जब मैं सीखती हूँ पापा जी से। अच्छा, अब तमाम बातों को लेकर मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा एज ए बाड़मेर की डॉटर, क्योंकि आप बाड़मेर से मूलतः हैं। किस तरीके से आज की बेटियों को आप देखते हैं, जिस तरीके से आपने पूरे आपने कहा कि मैंने वहाँ पढ़ाई की है, ये सब चीज़ दिखी है, पापा के साथ रहे हैं, आप अलग अलग जगहों पर रहे हैं, आज वर्तमान स्थिति में बाड़मेर की बेटियों को कहाँ पर देखती हैं? सर, मैंने आज की कंडीशन में, जैसे हम लॉ कर रहे हैं तो इंटर्नशिप करने अलग अलग जगह जाना पड़ता है, मैंने NGOs में, मैंने ह्यूमन राइट कमीशन में इंटर्नशिप करी, वहाँ पे मैंने आज की डेट पे दो लड़कियाँ देखी जो बाड़मेर से थी, एंड आई वाज फीलिंग सो प्राउड कि चलो बाड़मेर से कोई आया है, क्योंकि बाड़मेर से मैक्सिमम जगह पे लोग नहीं दिखते हैं, और स्पेशली जब लड़कियों की बात होती है, जैसे मैं मोदी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, वहाँ पे मैंने आज तक कोई बाड़मेर से लड़की नहीं देखी, एंड आई रियली वांट कि बाड़मेर के लोग इस चीज़ को सुने और इस चीज़ को इंटीग्रेट करें कि हाँ, जितना आप लड़कों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो बाहर जाने की, बाहर जाने की छोड़िए, पढ़ाई की और हर चीज़ की, भले वो जॉब हो, करियर हो, कुछ भी हो, वैसे ही लड़कियों को दो। वो बोलते हैं ना कि लड़का थोड़ी अलग थोड़ी घी गाते गणो, तो वही चीज़ है कि लड़का और लड़की दोनों को अगर आप सेम पॉइंट पे रखोगे तो आप एक टाइम पे ये भी सोचोगे कि यार हमारी लड़की ने ज़्यादा करा हमारे। कचन, एक यहाँ एक मानसिकता है कि जब लड़की को ये सब करें, हालांकि ये मानसिकता बहुत ही गलत है, मैं व्यक्तिगत तौर पर इसको गलत मानता हूँ कि बेटी को तो पढ़ाएंगे, इतना सब कुछ खर्च करेंगे, आखिर को जाना तो ससुराल ही है, हमारे फिर क्या काम आना है। इसको कैसे बदला जा सकता है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? सर, अगर इस तरीके से देखा जाए कि जाना तो ससुराल ही है, तो अगर आप प्रॉपरली एज अ लड़का, इफ़ मैं अगर एग्जांपल दूँ, आपका एग्जांपल ले लेते हैं, आप हैं, आप आपकी लाइफ की शुरुआत से लेके अभी तक आप किसी ना किसी वुमेन से ओरिएंटेड है, आपकी माताजी, फिर आपके बच्चे, आपकी वाइफ, कोई ना कोई आपकी लाइफ में लड़की है जो प्रॉपरली आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, आपकी माता है, उन्होंने आपको चीज़ें सिखाई, उन्होंने आपको एक पॉइंट पे इतना कंडीशन करा कि आज आप यहाँ बैठे हैं। अगर वो नहीं होती तो आप सोचते कि यार पापा कर तो रहे हैं, लेकिन वो चीज़ जो मम्मी का प्यार होता है वो नहीं मिला। अब ये जो मदर वाला फैक्टर होता है ना, वो एक वुमेन होल्ड करती है, और वुमेन पूरी की पूरी लाइफ में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। बस यही बात है जो हम सब लोगों को समझने की और इस पर विचार करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब बताएं, एक लड़की के जीवन में ये सब चीज़ें आना, पढ़ना, कई सारी चीज़ों का फेस भी करना पड़ता है, कभी ऐसा हुआ है? जैसे जैसे कि यार आप किसी ने बोल दिया आपके पिताजी को, आपकी तो बेटी है, चलो आपके पिताजी को नहीं बोल रहा, कई जगह आप और भी सुनते होंगे बेटियों को आप भेज रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, बेटियाँ घर पर रहती हैं, इनके साथ कुछ गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, इन सब चीज़ों को किस तरीके से देखें? सर, ये चीज़ मैंने नहीं, बहुतों ने सुनी है, और एक्चुअली हर फील्ड में लड़कियों के साथ ये चीज़ होती है, सुनना पड़ता है कि ओके, अगर आप जैसे माँ बाप को बोला जाता है कि आप अपनी बेटी को क्यों भेज रहे हो, या कोर्ट में क्यों भेज रहे हो, क्या ज़रूरत पड़ी, वो आप घर पे बैठे, हम कमा रहे हैं, हम इतने सक्षम हैं कि आगे जाके शादी करेंगे तो सक्षम घर में करेंगे, तो इनको कमाने की क्या ज़रूरत है। बट अगर अपन दूसरे परस्पेक्टिव से देखें, तो अगर मैं, अगर कोई भी बेटी हो, आपकी बेटी हो, तो आप ये चाहेंगे ना कि वो इतनी समर्थ हो, ये सामर्थ हो कि किसी के भी घर में जाए, कोई भी कंडीशन हो, वो कहीं पे भी नीचे ना गिरे या किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। आज के टाइम पे क्या है, अगर आदमी बोल दे कि मैं तुझे कमा के नहीं ला के दे रहा, फिर वो क्या करेगी, किस पे डिपेंड रहेगी, वापस अपने माँ बाप के पास जाएगी, फिर वहाँ पे भाई वगैरह बोलेंगे हम अपनी कर सकते, तुझे शादी करके भेज दिया। अब उस पॉइंट पर लड़की हर जगह से असमर्थ हो जाती है, उसको पता ही नहीं उसे करना क्या है। पर अगर आप उसको पढ़ाओगे, लिखाओगे, उसको इतना कंडीशन कर दोगे कि हाँ, किसी भी लाइफ के पॉइंट में जब उसको कोई ना दिख रहा हो तो वो खुद को देख पाए कि मैं कर सकती हूँ, तो मुझे और किसी की यहाँ पर ज़रूरत नहीं, क्योंकि और कोई मेरे साथ खड़ा नहीं है। बिल्कुल, ये सिर्फ कंचन राठौड़ ही नहीं बल्कि बाड़मेर की बेटियों के लिए एक आईना भी है। कंचन, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि आज तमाम उन बेटियों के लिए या उन बेटियों के पेरेंट्स के लिए आपकी ओर से क्या मैसेज है जो अब तक आपने देखा है? सर, क्या फील करते हैं पर्सनली? सर, मैं पर्सनली ये चीज़ फील करती हूँ कि लड़कियों में इतना पोटेंशियल है जो आज तक बहुत सारी चीज़ों से दब गया है। अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर लड़की कोई एक चीज़ में फील्ड में प्रोग्रेस भी करना चाहती है और उसके पेरेंट्स उसको अलाउड भी कर रहे हैं, लेकिन वहीं उसके साथ साथ उसको इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देंगे कि वो उस चीज़ में इतना एक्सेल नहीं कर पाती है। एक बार उसको इतना दायरा दो या फिर एक बार उसको इतनी प्रोग्रेस दो कि वो उस चीज़ में एक्सेल करे। जैसे आज के टाइम पर अपने कितनी सारी जजेस हैं जो वुमेन हैं, क्यों हैं? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें अलाउ किया और दैट टू सपोर्ट किया। एक सपोर्ट और अलाउ पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, और स्पेशली जब वो पेरेंट्स से हो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बातें कही हैं। अब मैं एक सवाल और मेरे जहन में आ रहे हैं
अगर भविष्य में कभी आपको ऐसा मौका मिला कि मुझे यहाँ बाड़मेर के लिए और यहाँ की बेटियों के लिए कुछ करना है अपने प्रोफेशन तमाम चीज़ों को छोड़ करके, तो सबसे पहले कंचन राठौड़ क्या सोचेंगे कि मुझे वहाँ जाकर के ये तो करना ही है? सर, मुझे सबसे पहले आई गेस अपॉर्चुनिटीज़ देनी है लोगों को, होता है ना कि नॉलेजेबल किसी पर्टिकुलर चीज़ के लेके। जैसे यहाँ पे एक होता है ना कि अज्ञान एक बहुत बड़ी दुविधा होती है या फिर एक रोक होती है ज्ञान की तरफ। मेरे को वो अज्ञान वाला जो रोड़ा है वो तोड़ना है। एटलीस्ट सबको पता हो कि अच्छा आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास ये राइट्स हैं कि आप क्या चीज़ कब कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक अबला नारी बन के घर पे बैठो, आप उस घर में भी क्या क्या चीज़ें कर सकते हो और आप उससे अपनी पूरी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हो, एक पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर सकते हो, अपने बच्चों को आगे क्या सिखा सकते हो और एज अ नारी आप इस सोसाइटी में क्या दे सकते हो। बिल्कुल, अभी एक और सवाल मेरे जहन में आ गया, एज ए एडवोकेट, एज ए बेटी या यूँ कहें कि एज ए वुमन, हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर कई सारी महिलाएँ होती हैं, वो सुसाइड कर लेती है अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों को पहले पानी के टांके में या तमाम जगहों पर डाल देते हैं, इसको अपन मर्डर कह सकते हो, फिर वो खुद सुसाइड करती हैं। इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से रोका जा सकता है, आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी इसको लेकर अभियान चला रहे हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन आता है कि आजकल के टाइम पे वुमेन सुसाइड कर रही हैं अपने बच्चों के साथ, तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन आना चाहिए क्यों कर रही हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, इनिशिएट कैसे हुआ, और पहले सबसे पहले इसका मूल चीज़, इसकी रूट देखनी चाहिए कि कहाँ पे ऐसी कौन सी कंडीशन आई कि इसको सुसाइड तक जाना पड़ रहा है। सुसाइड एक बहुत बड़ी चीज़ है, इट इज़ नॉट अ स्मॉल पीनट टास्क कि ऐसे ही आप जाओ और मर गए, नहीं, ये इतनी बड़ी चीज़ है कि उस स्टेप तक पहुँचने के लिए उसका दिमाग, उसकी फिजिकल इमोशनल सारी चीज़ें बहुत ड्रेन आउट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि इसका रूट कॉज क्या है, कहाँ पे ऐसी कंडीशंस बन रही है कि उसका दिमाग में ये चीज़ आई, और दूसरी बात फिर अगर ये कंडीशंस बन रही है तो हम इसको रोक कैसे सकते हैं, लोगों के दिमाग में ये चीज़ कहाँ से लाए, नॉलेज कैसे दें कि आप ये चीज़ नहीं करेंगे। जैसे पति है, काफ़ी बार पति से परेशान होके या फिर घर में किसी चीज़ से परेशान होके वो सुसाइड का ट्राई करेंगी। अब हमें देखना है कि ऐसी कौन से इश्यूज़ है जो इस परेशानियाँ रेज कर रहे हैं, फिर उनको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ कनेक्टेड होती है। और अपील क्या करेंगे तमाम महिलाओं से, क्या अपील करेंगे कि ये सब चीज़ें सही नहीं हैं या फिर उस हर समस्या का समाधान होता है? क्योंकि सीरियसली आप एक तमाम जो चीज़ें बताई हैं कहीं ना कहीं आपकी बातों से कई सारी महिलाएं, कई सारी बच्चियां, कई सारे स्टूडेंट जो हैं इंस्पायर हो गए। सर, मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस इज़ द की, कॉन्फिडेंस इज़ द की। अगर आप कहीं पे भी नॉलेजेबल होते हो तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तब आपको पता होता है कि आपकी नेक्स्ट चीज़ क्या होगी। और अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप नॉलेज भी ज़रूरी है। अब यही चीज़ अगर आप पढ़ाओगे, करोगे, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दोगे, लड़कियों को समझाओगे, करोगे, उनको जब चीज़ें पता होंगी तब उन्हें पता होगा कि उन्हें करना क्या है। अगर वो अवेयर होंगी तो उन्हें पता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है सुसाइड, मेरे पास और सॉल्यूशन है, मैं आगे जाके अपनी चीज़ों के लिए लड़ सकती हूँ, मैं खड़ी हो सकती हूँ। अब वो खड़े होने वाला माइंडसेट ही नहीं दिया, माइंडसेट जब चेंज होगा तो सोसाइटी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी दर्शक हैं कंचन राठौड़ की पूरी बातचीत तमाम दर्शकों तक पहुँचाएँ और विशेषकर इस क्षेत्र की बेटियाँ, महिलाएँ इस वीडियो को पूरा देखें, सुनें और समझें। धन्यवाद।